चलिए बनाते हैं वेज कबाब, वो भी इंस्टेंट वाला। मतलब उसके लिए कोई भी चीज़ भिगाने विगाने की ज़रूरत है नहीं। तो करना क्या है ना, बेसन लेना है और उससे अच्छे से ना रोस्ट कर लेना है। अब वो रोस्ट नहीं, हमें यहाँ पे भूनने वाला रोस्ट करना है। और उसके बाद जब रोस्ट हो जाए तो एक पैन में ऑयल लेना है, फिर बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में जिंजर और चिली का पेस्ट, उसको अच्छे से ना भून लेना है। फिर उसमें बेसन डाल देना है जो अभी हमने भुना था। उसके बाद टर्मरिक, रेड चिली, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ये सब डाल के ना इसको अच्छे से ना इसका एक डो बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता ही है यार, जब डो बन जाएगा तो इसकी लोइयाँ बनेंगी और उसके बाद इसको एकदम हम यहाँ पे शेप दे देंगे उसका, कबाब्स का, और इसको हम भून लेंगे, मतलब पका लेंगे, और इसके बाद आप आराम से इसको खा सकते हो। तो है ना ये इंस्टेंट वाला कबाब, बनाइए और खाइए।